माँ दुर्गा के नौ रूपों की आराधना को लेकर नवरात्रि पर्व के आगाज के साथ ही शहर के विभिन्न गली मोहल्लों में गरबा रास का दौर शुरू हो गया है। 10 दिवसीय नवरात्रि पर्व माँ की आराधना को लेकर युवतियां, युवाओं और महिलाओं में पहले दिन गरबा रास को लेकर खासा उत्साह नजर आया। सजे धजे गरबा पांडाल में दूधिया रोशनी के बीच शुरू हुआ गरबा रास का दौर देर रात्रि तक जारी रहा। वहीं गरबा रास को लेकर आयोजकों द्वारा बैठक, पार्किंग, साउंड की विशेष व्यवस्था की गई है। बाड़मेर में शारदीय नवरात्र पर देवी स्थलों पर दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ प्रतिदिन उमड़ रही है। मंदिरों में पूजा अर्चना के बाद शहर के कई गली मोहल्लों में रात के समय गरबों की धूम देखने को मिल रही है। क्या बच्चे और क्या युवक युवतियां और क्या बड़े सभी माँ की आराधना को लेकर देर रात्रि पर गरबा रास करते नजर आ रहे हैं। वहीं इन गरबा स्थलों पर बड़ी संख्या में दर्शक भी पहुंचकर गरबा रास का आनंद लेते नजर आ रहे हैं। बाड़मेर शहर में सुमेर गौशाला ग्राउंड में RJ04 ग्रुप द्वारा आयोजित हो रहे गरबा रास में युवक युवतियाँ देर रात्रि तक गुजराती व फिल्मी गानों पर गरबा रास के समुद्र में गोते लगाते नजर आ रही हैं। इसी तरह शहर के राय कॉलोनी पर द रॉयल युवा ग्रुप द्वारा आयोजित करवाए जा रहे गरबा रास में युवक युवतियां व महिलाएं डांडियों के साथ गरबा करती नजर आई। वहीं शहर के शारदा ग्राउंड, अग्रवाल भवन के पास, स्टेशन रोड, आजाद चौक सहित कई जगहों पर गरबों के पंडाल सजे हुए हैं। नवरात्र के दूसरे दिन गरबों में अंबे माँ, गुजराती, राजस्थानी गीतों की धुन पर युवक युवतियाँ कदम व ताल मिलाते नजर आए। देर रात तक DJ व डांडियों की गूंज ने भक्तों का मन लुभाया। नवरात्रि के दूसरे दिन रूपनगर में सुंदा माता गरबा समिति द्वारा गरबा पंडाल में आकर्षक लाइटिंग व स्टेज बनाकर गरबा करवाए जा रहे हैं। शहर के अधिकांश मोहल्लों में गरबों की धूम देखने को मिली। शाम होने के साथ बच्चे, युवक, युवतियां सज धज कर हाथों में डांडिया लेकर ग्राउंड में पहुंची। गीतों की धुन पर युवक युवतियां अलग अलग ग्रुप बनाकर डांडिया खेलते नजर आए। देर रात तक गरबा नृत्य करते नजर आ रहे हैं। दरअसल शारदीय नवरात्र के 9 दिन तक रात को गरबा पंडालों में गरबों की धूम रहेगी। सभी लोग डांडिया लेकर गीतों की धुन पर कलम मिलाते नजर आ रहे हैं। शहर सहित आसपास के गांव में नवरात्र को देर रात तक गरबा नृत्यों की धूम मची रही। साथ ही गरबा पंडाल में राजस्थानी, गुजराती और मिक्स धुनों पर कलाकारों के साथ महिलाओं और पुरुषों ने गरबा नृत्य किया। रविवार को शुरू हुए नवरात्र के दूसरे दिन माँ अम्बे की आराधना के बाद नवरात्रि महोत्सव की शुरुआत हुई। इसी के साथ ही रात में महिलाओं ने ड्रेस कोड के साथ गरबा डांडिया रास खेला गया। वहीं गरबा स्थलों पर आयोजकों द्वारा लाइटिंग, स्टेज, बैठक व्यवस्था, पार्किंग की विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं।